दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड कुमार सत्यम, स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल रूद मेडिटेशन में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने मधुमक्खी का जो छत्ता होता है इसके बारे में कुछ आपको उपाय बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मधुमक्खी का ही छत्ता हम धन प्राप्ति के लिए क्यों उपयोग में लेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि भ्रामरी माता, सती माता का जो एक अवतार है, शक्ति का एक अवतार है भ्रामरी माता, इनने एक असुर जो अरुणासुर नाम का एक असुर था जिसका वध करने के लिए, जब इनका वध कर रही थी तब मधुमक्खियों ने उनका बहुत सहयोग किया था भ्रामरी माता का। तो भ्रामरी माता का इनको आशीर्वाद प्राप्त है। माता रानी ने इनको आशीर्वाद दिया था कि जिस घर में भी इनका छत्ता वगैरह या इनका उपयोग होगा तो उनके घर में कभी भी धन धान्य की संपत्ति की कमी नहीं आएगी, हमेशा वो घर धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों, इसके छत्ते का उपयोग कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। इसके छत्ते से दोस्तों हमारे घर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, नेगेटिविटी होती है, वो सारी खत्म हो जाती है। तो आपको कहीं भी अगर इनका छत्ता मिल जाता है तो आपको क्या करना है, जो मधुमक्खी जब छत्ता बनाती है तो जब उसका शहद खत्म हो जाता है तो छत्ता छोड़ करके वहां से चली जाती है। अगर आपको कैसे भी हो, अगर छत्ता अगर शहद वाला भी मिल रहा है तो वैसा भी ला सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए छत्ता का जो मोम होता है उसकी जरूरत पड़ेगी आपको। तो आपको क्या करना है, इस छत्ते को ला करके अगर उसमें शहद है तो शहद को पहले निकाल लें और उसको धूप में सुखा लें। सुखाने के बाद में आपको इसका एक पिंड बनाना है, इसको मोड़ करके अच्छे से मिक्स करके मैश करके एक पिंड बना लें इसका। अगर पिंड नहीं बना पा रहे हैं तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इसको ला करके घर पे ला करके इसको सुखा करके और फिर इसको जब पूजा में आप यूज करेंगे तो सबसे पहले इसको आपको गंगा जल से या किसी पवित्र नदी के जल से आपको इसको पवित्र कर देना है। आपको एकदम गीला नहीं करना है इसमें, आपको थोड़े से जल के छींटे मार देने हैं जिससे पवित्र हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, इसको अपने पूजा स्थान में रखना है, किसी लाल कपड़े में रखना है आपको। लाल कपड़े में रख करके और इसमें थोड़े से गंगा जल के छींटे मारें, इसकी धूप दीप करें, तिलक करें, थोड़े से चावल चढ़ाएं, लाल पुष्प चढ़ा दें और विनती करें कि आपके घर में हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहे, घर का हर सदस्य की तरक्की हो, ऐसा विनती करके आपको इसको लाल कपड़े में ही वहां पे पूजा स्थान में स्थापित कर दें। अब अगर आप पूजा स्थान में आप नहीं रख पा रहे हैं तो इसको बांध करके और अपना जहां पे तिजोरी वगैरह है, गल्ला वगैरह है, वहां पे रख सकते हैं। अब दोस्तों, इसको 7 दिन तक अपने घर में रखे रहने के बाद में इसका छोटा सा एक टुकड़ा निकाल करके, आप छोटा सा एक टुकड़ा निकाल करके घर के जितने भी सदस्य हैं छोटा छोटा सा पीस निकाल के एक चांदी का एक ताबीज लेना छोटा सा और उसमें भर के लाल धागे में गले में धारण कर ले। घर का हर सदस्य तरक्की करेगा, हर दोस्तों धन की कभी कभी नहीं आएगी घर में, यानी कि धन के साधन मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है तो वो मिलना शुरू हो जाएगा, घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएंगी। आप इसी को, आप अगर आपका व्यापार है, व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार में रख सकते हैं, आपका कोई बिजनेस है बिजनेस में रख सकते हैं, ऑफिस में रख सकते हैं, ऑफिस में जो आपका जो गल्ला वगैरह को वहां रख सकते हैं इस चीज को। तो इससे दोस्तों बरकत होती है क्योंकि माता रानी आदि शक्ति का इनको आशीर्वाद प्राप्त है। आप एक काम दोस्तों और कर सकते हैं कि अगर उसको ये आपको थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में मिल जाता है तो आप इसको रोज इसका क्या कर सकते हैं, कुछ आग सिलगा के इसका धुआं पूरे घर में कर सकते हैं, पूरे घर में इसका धुआं करें। और प्रतिदिन नहीं कर पा रहे हैं तो पूर्णिमा अमावस्या के दिन इसका धुआं जरूर घर में करें, आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से आपके घर में शांति का माहौल बन जाएगा, बहुत ही परिवर्तन आ जाएगा क्योंकि आदि शक्ति का इनको आशीर्वाद प्राप्त है। माता भ्रामरी का ये स्वरूप मानी जाती हैं, जिनने अरुणासुर नामक दैत्य का वध किया था, भ्रामरी माता का इनको स्वरूप माना गया है। तो भ्रामरी माता का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो कहीं भी अगर आपको मिल जाता है तो आपको किसी भी दिन आप उसको ला सकते हैं और किसी भी दिन इसका उपयोग कर सकते हैं। बस ये है दोस्तों कि आपको इसको अगर गले में धारण कर रहे हैं तो इसमें पवित्रता का बहुत ध्यान देना है आपको। कहीं अगर आपके किसी मिट्टी वगैरह में जा रहे हैं तो वहां पर अगर जा रहे हैं तो सबसे पहले इसको उतार दें, घर में रख दें, उसके बाद में जाएं। कहीं किसी का जन्म हो रहा है तो वहां पर भी आपको इसी का ये उपयोग करना है, इसको पहले घर में रख दें फिर वहां पर जाएं। अपवित्रता से बिल्कुल इसको दूर रखना है, नहीं तो इसका पूरा जो असर है वो खत्म हो जाएगा। और जितना ज्यादा जितना समय आपके इसका ये आपके साथ में रहेगा उतना ज्यादा इसमें एनर्जी आती जाएगी। तो कोशिश करें कि जहां भी अपवित्रता हो वहां पर इसको लेकर के ना जाए और पवित्रता का ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली जरूर लिखिए, इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।